अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने इज्जत मान में रखे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ शरबत समर ड्रिंक। तो उसके लिए मैंने ये 1 kg लिया है दूध, और इसमें 1 कप पानी ऐड करूँगी। इसको हमने पतला करना है क्योंकि हम इसमें कस्टर्ड डालेंगे, तो ये हमें पतला चाहिए क्योंकि ये शरबत है। तो चलिए इसको बॉयल देते हैं, उधर दूध को बॉयल आने देते हैं, इधर हम इसका पेस्ट बना लेते हैं बादाम और पिस्ता। और आपको जो पसंद है ड्राई फ्रूट आप उसमें और ऐड कर सकते हैं। तो इसका हमने पेस्ट बनाना है, इसमें पानी ऐड करते हैं। तो इसे हम ब्लेंड कर लेते हैं। देखें इसका हमने पेस्ट बना लिया है, इसको भी हम साइड पे रखते हैं। और यहाँ पे हम कस्टर्ड बना लेते हैं। ये मैंने उसमें से थोड़ा सा निकाल लिया था, हाफ का कप के करीब। तो इसमें हम डाल देते हैं कस्टर्ड, आपका जो पसंद है आपको आप वो ले लें, कोई भी कलर, मैंगो कस्टर्ड हो जो भी है। मैं ये ले रही हूँ, सिंपल सा है, 2 टेबलस्पून ले लेंगे क्योंकि हमारा 1 kg है दूध जो हमने शरबत बनाना है, उसके लिए 2 चम्मच कॉफ़ी है। तो चलें इसको भी मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। इसमें ये गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। दूध को बॉयल आ चुका है, इसमें हमने जो ये पेस्ट बनाया है ड्राई फ्रूट का वो ऐड कर देते हैं। और चम्मच को हमने हिलाते रहना है साथ साथ, और इसके साथ ही हमने जो कस्टर्ड बनाया है उसको ऐड कर देते हैं थोड़ा थोड़ा। अब ये मैंने इसमें, आपके पास चीनी है आप भी चीनी डाल लें, मेरे पास एक लेस मिल्क है, इसके मैं 2 टेबलस्पून डाल लूँगी भर के, क्योंकि हमें आगे जाके भी थोड़ा मीठा इस और डालना है इसमें, इसलिए हम थोड़ा कम ही डालेंगे। तो चलें इसको हम सब साथ साथ हिलाते रहते हैं और थोड़ा सा और ठीक होने देते हैं। पानी को हमने अच्छी तरह से जो डाला था ऐड किया था उसको हमने पका लिया, 7-8 बॉयल दिए हैं हमने इसको। तो अभी थोड़ा ठीक होना शुरू हो गया है दूध भी, और इसमें अब हमने ये कस्टर्ड ऐड कर देना है। ये हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने, और चम्मच को हमने हिलाते रहना है। तो हमने सिर्फ थोड़ा सा कच्चा पानी इसका निकालना है, 2-3 बॉयल दे के, ज़्यादा हमने इसको पकाना नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा थिक हो जाएगा, तो हमें थिक शरबत नहीं चाहिए। ये देखें 5 से 6 मिनट हो गए इसको पकते हुए। तो ये देखें हमें ज़्यादा थिक नहीं, हमें ये पतला सा ही चाहिए। तो अब ये रेडी है, इसको हमने फ्लेम को बंद कर देना है। अब इसको हमने ठंडा कर लेना है, और चम्मच को हमने हिला के ठंडा करना है ताकि इसके ऊपर जो एक बलाई सी आ जाती है ना वो नहीं आनी चाहिए। अब ये थोड़ा ठंडा हुआ है तो हमने ये टूटी फ्रूटी है मेरे पास ये डाल लेते हैं इसमें। आपके पास बादाम है आप वो भी छोटे छोटे पीस करके, जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है आप वो डालें। जब ये पियेंगे ना हम शरबत, जब मुँह में आएगा तो अच्छा बहुत टेस्ट लगेगा इसका। देखिए ये देखें मेरे पास रूह अफ़ज़ा है, आपके पास जो भी कलर आपको पसंद हो शरबत में आप वो ऐड कर लें। 2 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें, इसका कलर बहुत अच्छा आएगा इसको डालने से। अब हम दूध शरबत को सर्व करते हैं। आप बगैर किसी डेकोरेट के ऐसे भी कर सकते हैं सर्व। अब ये मैंने तूफ मलंगा है ये भिगो के रखा था 15 मिनट के लिए, ये भूल गया है, ये भी ठंडा ठंडा ठंडक देता है। तो इसको ऐड कर देते हैं, 1 टेबल स्पून है। तो इसमें अब हमने ये अपना दूध शरबत डाल देंगे, गर्मियों में ऐसा ठंडा ठंडा पीने का बहुत मज़ा आता है। इसमें मैंने बर्फ़ ऐड इसलिए नहीं की कि मैंने इसको बर्फ़ यख ठंडा कर लिया है चिल, तो इसमें बर्फ डालने की जरूरत नहीं रही। दूध शरबत की रेसिपी रेडी है। मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।